आज हम कुछ नई चीजें सीखेंगे, ठीक। अच्छा ये बताओ मेरे हाथ में क्या है? व्रत। वेरी गुड, क्या है? व्रत। व्रत कैसा होता है? गोल। और उसकी सतह होती है चपटी और किनारे से होता है गोल। तो दैनिक जीवन में हम लोग ऐसी गोल चीजें देखते हैं, साइकिल का पहिया, एक एक करके क्या, सिक्का, वेरी गुड, चूड़ी, और क्या होता है, बिंदी, रोटी, वेरी गुड, चूड़ी, बटन, वेरी गुड। ताली बजाओ सब लोग। साइकिल का पहिया, पूड़ी, वेरी गुड। अच्छा ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, ठीक। अच्छा त्रिभुज के उदाहरण बताओ, एक एक करके बोलो। ब्रेड पकौड़ा, वेरी गुड। समोसा और पराठा, वेरी गुड। और ज्योमेट्री बॉक्स में भी निकलता है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये क्या है? वर्ग। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं, और चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर, ठीक है। अच्छा इसका उदाहरण बताओ, ब्रेड, वेरी गुड। और लूडो, कैरम बोर्ड, लूडो, घड़ी, घड़ी नहीं बोलेंगे, ब्रेड, कैरम बोर्ड, लूडो, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये क्या है? सम चतुर्भुज। इसके जैसा क्या दिखता है? वेरी गुड, क्या दिखता है? काजू पतली। सब लोग ताली बजाओ नेत्रा के लिए। काजू पतली और काजू पतली और पतंग। अच्छा इसमें काउंट करो कितनी भुजाएं? छह भुजाएं, इसको क्या बोलते हैं? षटकोण, ठीक है। ये क्या चीज है? बेलन। क्या है? बेलन। इसके जैसे उदाहरण बताओ, ग्लास, सेल, वेरी गुड। क्या होता? सेल। और गिलास, डिब्बा, लूडो वाली डिब्बी। और बताओ, वेरी गुड। क्या होती है? फुगनी। से क्या करते हैं? फूकते हैं, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये षटकोण है ना, षटकोण में कितने त्रिभुज बन सकते हैं? छह। कितने त्रिभुज बनते हैं? छह।